परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। जय जिनागम। और कहते हैं कि जीवन में अगर पवित्रता लानी है तो धर्म के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। संजय जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार कई वर्षों से इस कार्य में लगे हुए हैं, लोगों को सद्मार्ग पर ले जाने के प्रयत्न कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि यहाँ पर प्रगति मैदान में जब वो बुक स्टॉल लगाते हैं तो उनके अंतर मन में क्या विचार उत्पन्न होता है, क्या वो मार्ग, क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं लोगों को। क्योंकि आज भागम भाग भरी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल होता है एक दूसरे के लिए वक्त निकालना, एक दूसरे को समझना। लेकिन संजय जी का ये कहना है कि एक दूसरे को हम तब समझ सकते हैं जब स्वयं को हम समझ लेंगे। इसलिए स्वयं से साक्षात्कार संजय जैन करवाते हैं, उनसे हम जानते हैं उन्हीं के मुख से। संजय जी, स्वागत करते हैं आपका जनागम चैनल में। हम जानना चाहेंगे कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत कुछ दर्शाता है, कैसे सद्मार्ग पर लोगों को ले जा रहे हैं और क्या इन पुस्तकों के ज़रिए आप रास्ता दिखा रहे हैं। देखिए, जैन होने के नाते जो हमारी जीवन शैली अहिंसक जीवन शैली है और अहिंसा परमो धर्म, जो हमारे भगवान महावीर का संदेश है, उसको हम जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। कि आज की भागा दौड़ की ज़िंदगी में जैसे जीवन शैली इतनी व्यस्त हो गई है कि उसको ये नहीं पता होता कि वो जो खान पीन उसका है वो किस तरह से होना चाहिए, कब खाना चाहिए, पानी कैसे पीना चाहिए या क्या क्या आहार लेने चाहिए। तो यहाँ पर हम अपना कुछ समय लगाकर यदि हम कुछ लोगों की ज़िंदगी को एक अच्छी जीवन शैली तक और लंबी उम्र तक दे सकें तो ये हमारा एक सार्थक प्रयास, जो हमारे जैन सिद्धांतों का एक भाग है। तो हम इन पुस्तकों के जरिए उनको जागरूक करते हैं, उनको जो लोग शाकाहारी हैं या इनका अपनाते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हम ये बुक्स देते हैं, ताकि वो और समाज में अन्य अपने क्षेत्र में जाकर हम पोस्टर्स देते हैं कि आप वहाँ पर पोस्टर्स लगाइए, निःशुल्क पुस्तकें प्रोवाइड करते हैं कि आप इनको लोगों को पढ़ाइए, जागरूक करिए। तो इसके अलावा जैन सिद्धांत, जो हमारे जैन किताबें हैं, जैन बेसिक सिद्धांत हैं, संलेखना है, प्राचीन प्रतिमाएं हैं, उन सब के विषय में जानकारी देते हैं। बिल्कुल। एक और चीज़ भी हमने संजय जी के ज़रिए देखी यहाँ पर, कि हम जिस तरह का व्यवहार वर्तमान समय में पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ करते हैं, अगर वही व्यवहार हमारे साथ होने लगे तो हमें किस तरह की अनुभूति होगी। क्योंकि कहते हैं जैसे को तैसा, अगर आप कोई कर्म खराब करते हैं तो पलट कर वो आपके पास ही आता है। संजय जैन जी ने हमें एक तस्वीर दिखाई जिसमें तमाम चीज़ें हैं पशुओं को लेकर, कि जो व्यवहार हम पशुओं के साथ करते हैं वो व्यवहार अगर पशु हमारे साथ करते हैं तो आप अनुभूति कर सकते हैं कि आपको कैसा लगेगा, और जो विचार, जो भाव आपके अंदर आएगा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। संजय जी, समझाएं थोड़ा इस चार्ट को। ये देखिए, एक पोस्टर है जिसके अंदर हमने एक कल्पना की है कि अगर पशु आपके साथ, जैसे आप पशुओं के साथ अत्याचार करते हैं, उन पर बोझा लाते हैं, उनका शिकार करते हैं, उनके शिकार करते हैं, मारते हैं उन्हें, तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं, खाते हैं, तो यदि वो आपके साथ ऐसा करें तो आपको कैसा महसूस होगा। ये केवल एक चोट पहुँचाने का, एक मंत्र मन तक आदमी की, क्योंकि आत्मा सबकी पवित्र होती है। कोई आदमी मन से किसी को, कई बार वो किस तरह से मजबूर होता है या व्यापारिक रूप से मजबूर होता है, तो हम चाहते हैं कि वो कम से कम इसको देखे और इस पर अमल करे। इसके बाद हमने एक ये एक पोस्टर और भी है हमारे पास, जो डॉक्टर्स फोरम, एक कम से कम 25 साल पुराना ये पोस्टर है, जो बीच में किसी वजह से रुक गया। देखिए, लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं, उत्तम स्वास्थ्य के लिए कुछ नियम, यानी गाइडलाइंस फॉर गुड हेल्थ। आपके स्वास्थ्य के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें हानिकारक हैं, इसको आपको समझना होगा। संजय जी, समझाएं थोड़ा सा। इस पोस्टर के अंदर नशा मुक्ति, मांसाहार या और भी दूसरी जो भी व्यसन है, ये डॉक्टर्स द्वारा इसको बनाया गया है और यहाँ पर हमने इसको निःशुल्क वितरित कर रहे हैं हम, ताकि पब्लिक प्लेस में जाकर, कल डॉक्टर डी सी जैन साहब ने इसके ऊपर विषय में काफ़ी अच्छी परिचर्चा की, तो इसमें जागरूक हों लोग, ये हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक और इस बार नया पोस्टर छोटा सा लॉन्च किया है। आपने सुना होगा पत्ता गोभी के अंदर कीड़ा होता है, लेकिन हमने उसको यहाँ पर कलर, हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए पत्ता गोभी में कलर कीड़ा है, ये ब्रेन में जाता है, ये ब्रेन में जाता है, ये MRI के अंदर आया है, और इससे पशु आदमी कभी भी बच नहीं पाता है। क्योंकि आज बच्चे जैसे चाउमीन वगैरह खाते हैं, तो हमारा निवेदन यह है कि वो पहली बात तो ना खाएं तो बहुत अच्छा है, और यदि खाएं तो नंगी आँख से अगर प्रॉब्लम है तो चश्मा लगा के एटलीस्ट ये कीड़ा, क्योंकि दिखाई नहीं देता है, तो हम इसमें जान बचाई जा सकती है, ये हमारा प्रयास है। बिल्कुल। क्या संदेश देना चाहेंगे लोग? मैं संदेश देना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि कृपया अहिंसा परमो धर्म का पालन करें। अहिंसा ही परम धर्म है,
मन से भी किसी के प्रति ऐसा भावना लाएं, और सबसे ज़रूरी है कि घरों में जो आप चीज़ें यूज़ करते हैं वो जीवन शैली आप बेशक अहिंसा का पालन करते हो लेकिन आपको पता नहीं होता है कि घर में किस कौन सी चीज़ें अहिंसात्मक रूप से बन के आ रही हैं। तो जैसे ई नंबर्स में भी कई बार आजकल फ्रॉड चल रहा है, जो बिस्किट्स होते हैं या दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उसमें ई नंबर्स को आप नंबर अगर डाला है तो उसमें दो कंटेंट्स होते हैं, वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों होता है। अब मेरी प्रार्थना है कि आप दोनों चेक करिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप शाकाहारी हो लेकिन गलती से आप मांसाहार कर रहे हो। तो अहिंसात्मक जीवन शैली होगी, आपका तन मन शुद्ध होगा, आपकी लंबी उम्र होगी, आप स्वस्थ रहेंगे, आत्मा शुद्ध होगी, ये मेरा सबसे विनती है, निवेदन। बहुत बहुत शुक्रिया। धर्म जो है एक सिद्धांत पर आधारित होता है, सिद्धांत कहीं ना कहीं हमें बांध कर रखता है बुरे व्यसनों से। अगर हम बुरे व्यसनों में पड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि समाज अव्यवस्थित हो जाता है, और समाज को व्यवस्थित रखना है हमको तो हमें धर्म के सद्मार्ग पर चलना ही होगा। पुस्तकें ही एकमात्र ऐसा सहारा है जो आपकी सच्ची मित्र होती हैं, और इन्हीं पुस्तकों के ज़रिए हम युगों युगों के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि यही साहित्य है और यही ज्ञान की सबसे अच्छी जो ज्ञान देती हैं, सबसे अच्छा ज्ञान जो देती हैं वो हमारे सामने पुस्तकें हैं। इसके अलावा हमें कोई भी सही ज्ञान नहीं दे सकता, इसलिए पुस्तकों को ही अपना सच्चा मित्र बनाना चाहिए। संजय जी इस कार्य में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, छठवीं बार उन्होंने लगातार इस विश्व पुस्तक मेले में हिस्सा लिया है, तमाम तरह के लोग यहाँ भारी संख्या में आ रहे हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा पीछे की साइड घूम कर दिखाएँगे कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस पुस्तक मेले में शामिल होने के लिए आए हैं। और इन सभी का ये मानना है, कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर इस बारे में जानने के लिए आए हों कि कितनी तरह की पुस्तकें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, कितनी चीज़ें यहाँ पर हम देख सकते हैं, कौन कौन से वो साहित्यकार हैं जिनकी पुस्तकें यहाँ पर आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ भले ही वो पुस्तक को देखेंगे लेकिन ये भी जानेंगे कि इन पुस्तकों के अंदर अगर एक अक्षर या एक वाक्य भी उन्होंने पढ़ लिया तो उन्हें सही मार्ग मिल जाएगा जीवन में जीने का, और समाज को व्यवस्थित कर सकेंगे। तो फिर आएंगे किसी और मुद्दे को लेकर, फिर आएंगे ये जानने के लिए कि सद्मार्ग के लिए कौन सा मार्ग सही है जो हमें अंततोगत्वा मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। जय जिनागम। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।